just fight kya ek ye film mein fight ka phase hai ek zindagi ki fight apna अरे जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट क्या रही है ये आपका प्रश्न सफलता हासिल करना या ऊंचाई हासिल करना जी देखिए अपने सबसे बड़ी जिंदगी की फाइट एक्चुअली मैं जिंदगी को एक फाइट की तरह तो नहीं लेता हूँ कि मैं कोई लड़वड़ नहीं रहा हूँ और ना मैं कोई दौड़ रहा हूँ मैं एक जिंदगी को एक बहुत ही प्यार से लेता हूँ और काम करता हूँ मेहनत करता हूँ परिवार के साथ रहता हूँ और ज़िंदगी बहुत आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा लड़ झगड़ के अगर ज़िंदगी में अपना स्ट्रेस लूँगा तो मेरी जो ज़िंदगी है बहुत छोटी हो जाएगी और क्योंकि हाल ही में मैं एक हॉस्पिटल में गया हुआ था तो वहाँ देख रहा था 35 से लेके 40 तक के लड़कों को हार्ट अटैक आया हुआ है एंड ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड दे आर टेकन स्ट्रेस सो मच सो दैट इज़ व्हाट आई फील दैट मेरे लिए मैं कोई लड़ता बढ़ता नहीं अक्षय जी यहाँ पे अक्षय जी सिद्धार्थ मेरा आपसे एक सवाल है कि जो बॉक्सिंग जो हुआ है उस लुक को चेंज करने के लिए या उससे अलग दिखने के लिए क्या क्या चीजें की रियल मैन लुक लुक देख चुके हैं बहुत चीजें आई थिंक ऑल थैंक्स टू करण मल्होत्रा उन्होंने पहले एक तस्वीर दिखाई मुझे चार महीने पहले एक 6 फुट 4 इंच का गंजा रेसलर तो पहले डर गया कि पहले बाल बाल काटने पड़ेंगे ऐसा कुछ आई थिंक इज नॉट रिफरिंग टू बट वो सिर्फ वजन दिखा रहे थे उसका तो वो भी बहुत कम टाइम था करने के लिए 4 महीने में तो जैसा कि कहा उसमें हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई हमारे ट्रेनर्स आए अमेरिका से हमारी एक टीम थी जो जिन्होंने हमें ट्रेन किया डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ऑब्वियसली बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं है सर की तरह तो मैंने तकरीबन 4 महीने सिर्फ वही किया और कुछ नहीं किया फिर लुक पे काम किया थैंक्स टू आलिम जिन्होंने किया और करण मल्होत्रा के रेफरेंस से वी ट्राइड अ न्यू लुक पहली बार इतनी बड़ी दाढ़ी और बस बस जस्ट टू मेक इट कन्विंसिंग पहले से अलग दिखा था करण मल्होत्रा का ये था कि यू वांटेड टू बैलेंस इट आउट अक्षय सर 10 किलो घटाएंगे तो मैं 10 किलो बढ़ाऊंगा तो वही कोशिश थी सर आई थिंक ट्रेनिंग कर रहे थे कम करने के लिए मैं बढ़ाने में लगा